अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज्जू की रसोई चैनल। आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बहुत दिन बाद लौट आई हूँ, तो आज मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आई है। तो ये दिवाली में बहुत ज़्यादा चलती है, जिसको लड्डू का राजा कहा जाता है। बूंदी के लड्डू बनाने वाली हूँ मैं आज। तो उसके लिए मैंने लिया है बेसन, और इस ग्लास से मैंने चार ग्लास बेसन लिए हैं, और शक्कर ली है ये 6 ग्लास है। जितना हम बेसन लेने वाले हैं उसके 1.5% से आपको ज्यादा लेना है, मतलब 1.5 कप ज्यादा लेना है आपको शक्कर। तो इसकी हम चाशनी बनाएंगे और हम इसको अभी गूंद लेंगे, इसकी अच्छा एक बैटर बना लेंगे हम। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके ही हमें मिलाना है। हम अगर ज्यादा पानी डालेंगे तो हमें अंदाजा नहीं समझ में आएगा। इसे ज्यादा घट भी नहीं गूंथते हैं और ज्यादा पतला भी नहीं, हमें मीडियम इसमें रखना है इसे। तो इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही हमें गूंथ देंगे इसको, इसका अच्छा से एक बैटर बना लेंगे। जितना आप धीरे धीरे से इसको गूंथेंगे उतने ही इसमें कम गुठलियां बनेंगी और अच्छे से ये मिक्स भी होगा। तो देखिए अब ये तैयार हो चुका है, मैंने अच्छे से गूंद दिया है। तो ये ऐसे तैयार हो चुका है, देखिए कैसे गिर रहा है। तो हमें बूंदी बनाने के लिए जैसे मोती जैसी बूंदी बनाना है, तो उसके लिए हमें ऐसे ही आटे को गूंद लेना है, इसका ऐसा बैटर बनाना है, हल्का सा थोड़ा सा ढीला। और इसमें देखिए एक भी आपको बबल्स या फिर कोई गुठलियां नहीं दिखते होंगे। तो चलो अभी रेडी हो चुका है और हमारा तेल भी इधर गर्म हो रहा है, तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए अब हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऐसे झारा लिया है, ये झारा आपको कहीं भी अवेलेबल हो सकता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। तो इस तरह से इसमें छेद होते हैं, देखिए। तो अब मैं इसको इस पर रख लेती हूँ, ऐसे हाथ में पकड़ लेती हूँ। तो इसमें मैं एक छोटे बाउल के सहायता से इसमें हमारा जो हमने जो बैटर बनाया है वो इस पे डाल दूंगी। देखिए ऐसे डालना है हमें, इस तरह से। और इस पर अब हम इसको घुमाएंगे, हल्के हाथों से हमें घुमाना है ताकि हमारे मोती जैसे बने। बहुत ही बढ़िया। हमें फ्लेम थोड़ी कम ही करनी है। देखिए इस तरह से हमारा पूरा होने के बाद हम इसको साइड में रख देंगे। बहुत ही मोती जैसे बनती है इससे। हमें इसे ज्यादा तेल में तलना नहीं है, ज्यादा कड़क, हमें नरम नरम ही इसे निकालना है। तो ये पक चुके हैं, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। वाओ, कितने मोतियों जैसे बन चुके हैं, देखिए। तो हम सारी तरीके से अभी ऐसे ही बना लेंगे। जब भी आप सेकंड राउंड ले तो झारा को हमेशा धोए, क्योंकि उसमें जो छेद है उसमें फिर से अच्छे से गोल होने के लिए हमें धोना पड़ेगा, क्योंकि हम वैसे ही बनाएंगे तो इस तरह से गोल नहीं हो पाएंगे। तो हम फिर से इसको एक बार धो कर लेते हैं। के साथ मैंने दो बाउल में थोड़ा थोड़ा आटा और निकाल लिया था, तो मैं इसमें अब कलर मिक्स कर दूंगी ताकि हमारी एकदम बूंदी मार्केट टाइप बने। इसमें मैं रेड मिक्स कर रही हूँ और इसमें मैं ग्रीन, तो मैं मिक्स कर लेती हूँ इन्हें।
तो देखिए एकदम परफेक्टली कलर आ चुका है। तो अब मैं इनकी बूंदी बना लूंगी। तो सबसे पहले मैं ग्रीन बना कर लूंगी। येलो तो मैंने बना लिए हैं पहले ही, तो अब मैं ग्रीन बना रही हूँ, जो मैंने कलर मिक्स कर लिया था वो वाले। पहले बनाए थे वैसे ही बना लेना है हमें सेम। लेकिन हर बार हमें जब भी हम न्यू स्टार्ट करें तब हम इस जार को धो लेंगे। देखिए निकाल लिया मैंने। इसके बाद मैं ऐसे ही रेड वाले भी बना कर लूंगी। हमें वैसे ही सेम बना कर लेना है। तो देखिए हमारी रेडी हो चुकी है मोतियों जैसी बूंदी। तो अब हम चाशनी बना कर लेंगे। तो जिसके लिए मैंने शक्कर लिए थे 6 ग्लास। तो सबसे पहले मैं 6 ग्लास शक्कर इस पतीले में डाल देती हूँ। तो अब मैं इसमें उसी ग्लास से 2.5 ग्लास पानी डालूंगी। हम शक्कर को सिर्फ भिगोना है हमें शक्कर को, इसलिए हम पानी कम ही डालेंगे। तो इसको हम हमेशा इसे चलाते रहेंगे ताकि नीचे चिपके ना। शक्कर पिघलने तक हमें ऐसे ही चलाना है इसे। तो चाशनी हमारी पक रही है। अगर आपको चाशनी कैसी पकी है अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। ऐसे हम चाशनी को थोड़ा सा लेंगे इसमें चम्मच में, और एक प्लेट में थोड़ा पानी देकर इसमें चाशनी डालेंगे। अगर ये पिघल रही है तो चाशनी तैयार नहीं है। तो चलो और एक बार हम चेक कर लेते हैं पकी या नहीं हमारी चाशनी। शायद मैं भी मुझे लगता है अब बन चुकी है हमारी चाशनी। देखिए अब ये नहीं पिघल रही है पानी में, तो अब हमारी चाशनी पक चुकी है। तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। तो ये अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पर मैंने इलायची की पाउडर कर ली थी, तो इसमें मैं डाल देती हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए सिर्फ इलायची पाउडर ही मुझे लगता है अच्छी है, सफिशियंट है। ये तो अपने आप में ही मुकम्मल हो जाती है इसी के साथ ही। तो अब मैं ये सारी बूंदी इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें मैंने डाल लिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ चम्मच के जरिए। कितना बढ़िया कलर आ रहा है देखो इसको। तो अभी हम ऐसे ही इसको ढककर रख देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब ये एकदम से अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी है शक्कर। हमने इसका पाक बनाया था, अब देखिए ऊपर ऊपर शक्कर लग रही है। तो बहुत ही बढ़िया एकदम मोती जैसे एकदम होटल रेस्टोरेंट टाइप हमारी बूंदी हो चुकी है। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। हम अब बनाना स्टार्ट कर लेंगे। हम ऐसे हमें जितना चाहिए उतना हम मीडियम साइज का लड्डू बना रहे हैं। आप चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं या फिर बड़ा भी बना सकते हैं। देखिए हम इस तरह से दोनों हाथों से प्रेस करना है उसे। तो बहुत ही बढ़िया लड्डू हमारा बन रहा है। देखिए
वाओ, देखिए कितना गोल, एकदम इसकी आप देख रहे हैं इसके बूंदी समझ में आ रही है, वाओ। तो हम ऐसे सारे लड्डू अब बना लेंगे। कि हमारे लड्डू बन चुके हैं, तो मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं, तो इसमें कम से कम 30 लड्डू हो जाएंगे, 25 से 30 लड्डू हमारे हो जाएंगे तैयार। तो आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, और साथ में मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।